गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। आज गुरु नानक देव प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की प्रकाश उत्सव की खुशी में ये नगर कीर्तन हर साल 1970 से आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे पास गुड़गांव, रेवाड़ी, दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, सोना, जगह जगह से, राजस्थान से काफ़ी संगत आते हैं। आज भी 2,500 आदमी बाहर से आया हुआ है और 1,500 नू का भी है, 4,000-5,000 का लंगर है। अब लंगर के उपरांत गुरुद्वारे में से जो है पंच प्यारों के आगमन में नगर कीर्तन का चलेगा, जो कि पूरी शहर में शब्दी जत्था कीर्तन करता हुआ वापस गुरुद्वारे आके विश्राम होगा और सारी संगत जो हमारे यहाँ आई हुई है उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और हर साल की भांति यहाँ आप देख रहे हो प्रोग्राम, हर साल भांति बड़े धूमधाम से होता है। शब्दी जत्थे आते हैं, सारी संगत आती है, गतका पार्टी दिल्ली से भी आई है, गतका पार्टी अलवर से भी आई है, टपुकड़ा राजस्थान तेजारा तक की संगत आई है। वाहेगुरु जी का सुन है बहुत। रानी मल्होत्रा है, रिवाड़ी से आए हम। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हम अपने भाई साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम रिवाड़ी में 8 तारीख को गुरु नानक जयंती मना के आए हैं, लेकिन हमें फिर दोबारा मौका मिलता है जो पहला रविवार आता है। भाई साहब हर साल हमें रिवाड़ी की संगतों को मौका देते हैं। हम यहाँ आकर भाई साहब, भाई गुरचरण सिंह जी, यहाँ आकर हमें फिर सौभाग्य प्राप्त होता है। हम मिल के सारी संगत गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारी संगतों में बहुत उत्साह था। हम वहाँ से कीर्तन करते हुए यहाँ तक आए हैं, या लंगर पानी शक के हम फिर रास्ते सारे रास्ते बाजार में गुरु नानक देव साहब महाराज के शब्द कीर्तन करते हुए शाम तक फिर वापस इसी स्थान पर आएंगे। और इसके लिए मैं भाई साहब का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमें हर साल बहुत सम्मान देते हैं। जहाँ जहाँ से संगतें आती हैं ये वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, लंगर पानी का, रास्ते की व्यवस्था का, वापसी जाने तक लंगर का, सारे प्रबंध हमें बहुत अच्छे से मिलते हैं। इसीलिए हर साल हम बहुत संगत लेकर हर साल आते हैं। सारी संगत को गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। वाहेगुरु जी की फतेह।